नमस्कार जनट्यू में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र और आप देख रहे हैं खास खबर। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दीपोत्सव आपके जीवन में एक ऐसे काल में ऐसे समय पे दीपोत्सव है, लेकिन ये उजास हमेशा जारी रहना चाहिए। एक विकट परिस्थिति है, लेकिन दीपक एक उत्साह उल्लास मुझे लगता है कि इसे पाटने के लिए काफी रहेगा। आप दिवाली को एंजॉय करें। तो चले आज हमारे साथ दीपावली को लेकर के ज्योतिषीय महत्व और हमारे तमाम जो संस्कार है उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर विनोद शास्त्री साहब हैं। आचार्य पवन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत है। मैं शास्त्री साहब आपके पास सबसे पहले आना चाहूंगा। दीपावली दीपोत्सव, हर बार 5 दिवसीय दीपोत्सव रहता है, लेकिन इस बार 4 दिन का दीपोत्सव है मुहूर्त के हिसाब से, और 43 साल बाद में ये योग बन पा रहा है। जैसे कई बार ये कहा जाता है कि श्राद्ध अगर बढ़ता है, नवरात्र कम होता है, तो ये देखा जाता है कि शुभ नहीं है, अक्सर सुनते हैं। तो दीपोत्सव से भी कोई असर पड़ रहा है कि 4 दिन का या 5 दिन का इससे? नहीं, देखिए ये क्या होता है, ज्योतिष शास्त्र में हर 19 वर्ष में इस तरह की स्थिति आती है। 2001 में भी वैसी स्थिति आई थी और अब 2039 में भी वैसी स्थिति आएगी। ये हर 19 साल का एक चक्र है, जिस समय ये चतुर्दशी तिथि, त्रयोदशी तिथि, चतुर्दशी को अमावस्या आ जाती है प्रदोष काल में, और त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में आंशिक रूप से प्रदोष काल में त्रयोदशी रहती है और उसके बाद चतुर्दशी आ जाती है। इसके कारण से क्या होता है, धनतेरस रूप चौदस एक ही दिन हो जाती है। धन्वंतरी, चूंकि धन्वंतरी जी का जन्म मध्यान्ह में होता है, इसलिए उदय व्यापनी और मध्यान्ह व्यापनी त्रयोदशी ली जाती है, इसलिए वो भी इसी दिन है, प्रदोषकालीन भी है और प्रदोष काल में ही चतुर्दशी आ रही है, इसलिए रूप चतुर्दशी नरक चतुर्दशी भी उसी दिन है। जिस दिन दिवाली है उस दिन प्रातः काल सांगव काल में रूप चौदस का स्नान और दीप प्रज्वलन का विधान रहेगा, इसलिए ये 4 दिन की है। चतुष पर्व है तो ये दिवाली पंच पर्व, क्योंकि हम पर्व तो 5 ही मनाएंगे 4 दिन में, 5 चीजों को हम 4 दिन में ही मनाएंगे। ये धनतेरस के दिन धनतेरस की उस दिन रूप चौदस होगी और फिर दिवाली होगी। इसको शुभ या अशुभ से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, ये तो एक कहीं की जो होता है, ये तो एक ज्योतिषी गणना है, उसके आधार पे हर 19 साल में इस तरह की स्थितियां बनती हैं। किसी ने बताया कि 43, किसी ने ये भी कहा कि 43 साल बाद ऐसा योग बन रहा है, लेकिन आपने क्लियर किया है कि 19 साल बाद ही ये योग बना है और बाद में अभी 19 साल बाद में फिर आएगा ये। मैं एक सवाल और लूंगा यहाँ पे आपसे कि अगर ओवरऑल अगर हम देखें, क्योंकि कोरोना काल की पहली दिवाली है, तो क्या योग कह रहे हैं आप? कोरोना काल की पहली दिवाली क्यों कह रहे हैं, दूसरी भी लाओगे क्या कोरोना काल में? ऐसे नहीं है, जी। पहली है और ये लास्ट है, और ये कोरोना काल, इसमें वैसे तो क्या होता है कि दिवाली होती ही कोरोना काल की है। इसमें एक ये होता है कि जो जिस समय कार्तिक में दीपावली आती है उस समय यम दृष्टा योग होता है, और ये यम दृष्टा योग रोग शोक का ही प्रतीक होता है, और उस समय फिर हम पंच पर्वा दिवाली मनाकर इन रोग शोक से सबसे दूर होते हैं। तो अभी भी जो दिवाली आ रही है ये यम दृष्टा योग। जी आनंद ही आनंद रहेगा। जी बिल्कुल, यही चाहिए कि चारों तरफ एक उजास उल्लास, और हमारे की भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि दीपावली का जो उत्सव होता है ये उमंग और उत्साह को लेकर के आता है। निश्चित रूप से जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, कोई ना कोई हम घर में नई चीज लेकर के आते हैं, और ये कहा भी जाता है कि दीपावली का एक ऐसा पर्व होता है कि एक दूसरे को जो हम शुभकामनाएं देते हैं, उमंग होती है, उत्साह होता है, वो बना रहना चाहिए। मैं आचार्य पवन शर्मा साहब के पास जाना चाहूंगा, आपके पास आना चाहूंगा आचार्य श्री। मैं जानना चाहूंगा कि यहाँ अगर हम बात करें, कुछ राशियों को लेकर के कहा जाता है कि इस राशि के जातक के लिए ये ज्यादा फलदायी होगा। शुभ तो सभी के लिए दीपावली होती है जब भी हम कहते हैं कि शुभ दिवाली, लेकिन बात आती है फलदायी, किस राशि के लिए ज्यादा फलदायी होगा। तो जैसे 4 दिवसीय दीपोत्सव है, तो किस राशि के जातक को किस तरह का ख्याल रखना चाहिए, क्या उसे करना चाहिए?
देखिए योगेंद्र जी, आपको और समस्त भारतवासियों को मैं दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान से ये प्रार्थना भी करता हूँ कि ठाकुर जी इस संकट से जो हमारा पूरा विश्व चल रहा है कोविड-19 से, इसे शीघ्र अतिशीघ्र हमें निजात प्रदान हो। जैसे कि हमारे ज्येष्ठ भ्राताश्री ने अभी बताया था कि दीपोत्सव है तो पंच पर्वा ही, लेकिन दिन चार में मनाना है। वो तो हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, हमारे पंचांग के दृष्टिकोण के अनुसार या सूर्य उदय की तिथि की गणनाओं के अनुसार हम इसका पूरा कैलकुलेशन करते हैं। ये बहुत बड़ा विषय है, तो इसके हिसाब से ये 4 दिन में हमें 5 पर्वों के समय अनुसार हमें मनाना है। जी आपका क्वेश्चन रहा कि किस राशि के लिए, तो जो त्योहार जो पर्व, कुछ पर्व ऐसे होते हैं आदरणीय कि वो जैसे कि दिवाली है और या मान के चले हम धनत्रयोदशी है, तो ये एक कर्मकांड के साथ में उपासना से जुड़ा हुआ विषय है, क्योंकि हर व्यक्ति ये चाहता है कि भाई सबका ही मंगल हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो जी दिवाली का त्योहार बहुत ज्यादा अच्छा आ रहा है और किसी के लिए बुरा आ रहा है ऐसा तो नहीं है, पर्टिकुलर राशि से हम इसे नहीं जोड़ सकते हैं। बाकी दीपोत्सव अभी सबके लिए ज्यादा अच्छा आए, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है कि पूरा राष्ट्र जिस तरीके बिल्कुल से जिस तरीके से निकला है, तो इसमें अगर राशियों की मैं गणना करता हूं, और बहुत सारे लोग आपके चैनल को लाइव देखते हैं, तो कुछ लोग हताशा के शिकार हो सकते हैं कि हमारे लिए ये कमजोर है और किसी मतलब राशि के लिए ये प्लस है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि प्रेजेंट में सब निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, दीपोत्सव सबके लिए मंगलदायी हो, क्योंकि दीप प्रज्वलन अंधकार को, अज्ञानता को और रोग निवृत्ति का, जैसे कि आचार्य जी ने, बड़े भाई साहब शास्त्री जी ने कहा कि यम दृष्टा योग जो है, तो जिसको नरक चतुर्दशी भी कहते हैं और ये सारा जो आता है, तो निजात हमें प्राप्त हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना है। बिल्कुल, और होना भी यही चाहिए। दीपावली का उत्सव ही ऐसा है कि अगर रास्ते चलते दुश्मन भी मिलता है तो उसको भी हम शुभ दीपावली कहते हैं। और ये कहा जाता है कि मुस्कुरा करके तो एक बार हैप्पी दिवाली बोलिए। ये एक मुझे लगता है कि बहुत नजदीक लाने वाला होता है। और जैसे अभी शास्त्री साहब ने बताया, आचार्य जी ने भी बताया कि बात केवल ये नहीं होती है कि दीपावली का पर्व है केवल खरीदारी या फिर सम उसी तक, ऐसा नहीं है। ये अंधेरे से उजाले की ओर, आप में अगर कहीं पे भी कोई हर व्यक्ति देखता है कि हे प्रभु, मेरे में अगर कोई अवगुण है तो उसको सद्गुण में तब्दील कर, अगर कोई रोग है तो उसे निरोग बना। और इसी वजह से ये 5 दिन के जो पर्व होते हैं, एक एक दिन करके अलग अलग, उनका हर दिन का महत्व है इसमें। मैं एक बार फिर शास्त्री साहब से मुखातिब हूंगा। सर, आपके पास आना चाह रहा हूं मैं। ये एक चीज मैं यहाँ जानना चाहूंगा आपसे कि बहुत सारे जातक ऐसे हैं कि जिनके जेहन में बात आती होगी, यह साल जिसके हम गणना अगर करें, हमने उससे पहले भी बात की थी जब दिसंबर 2019 में भी, कि स्टार्टिंग में ग्रहण वाला साल है ये, और मिड में भी ग्रहण आए इसे जुलाई में भी, तो इनका कोई असर है पूरे साल में? क्योंकि दीपावली अगर हम जनवरी से दिसंबर तक के कालखंड को देखें उस लिहाज से भी, तो कुछ ऐसा असर है कि वो जो ग्रहण स्टार्टिंग में आए उनका कोई असर त्योहार पे, या फिर कोरोना एक उसका बड़ा कारण रहा हो, ऐसी कोई वजह है? देखिए, ग्रहण तो हर वर्ष 4-6 ग्रहण तो हर वर्ष आते हैं दुनिया में, और प्रारंभ में भी आते हैं, चूंकि 4 आते हैं तो मध्य में भी होते हैं, प्रारंभ में भी होते हैं, अंत में भी होते हैं। ग्रहण ही कोई इतना बड़ा कारण नहीं है। दीपावली के अभी जो कोरोना काल चल रहा है, दीपावली तो देखिए पैसा आना जाना होता है, पैसे को दीपावली नहीं कहेंगे। जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निधाना, ये दिवाली होती है सुमति के लिए कि सबको अच्छी बुद्धि दे। क्योंकि हम दिवाली पर 3 चीजों की पूजा करते हैं। जो लक्ष्मी जी का पाना होता है उसमें 3 फोटो होती है, एक गणेश जी की, एक सरस्वती जी की और एक लक्ष्मी जी की। और उसके पीछे रीजन ही ये होता है कि हमें बुद्धि दे भगवान गणेश जी और सरस्वती जी, हमें ज्ञान दे, और बुद्धि और ज्ञान के साथ यदि यदि लक्ष्मी की प्राप्ति होती है तो फिर आनंद ही है, फिर सुमति है। और अगर ये दोनों नहीं है तो फिर कुमति है, और कुमति के साथ लक्ष्मी है। तो ऐसी स्थिति में अभी जो ये हमें
जिस तरह के निरोग रहने की सबसे पहले, इसलिए तो हम धन्वंतरि की पूजा करते हैं सबसे पहले दिन, कि भाई हम लक्ष्मी में जो पंच पर्वा है इसमें सबसे पहले इसीलिए लक्ष्मी जी धन्वंतरि की पूजा करते हैं कि हम निरोग रहे। शरीर माध्यम खनु धर्म साधनम, पहला सु निरोगी काया, ये सब शरीर ही यदि सही नहीं रहेगा तो क्या रहेगा। इसलिए सबसे पहले धन्वंतरि को हम पूजा करते हैं, उसके बाद में हम, क्योंकि नरकासुर का वध किया था भगवान कृष्ण ने, इसलिए नरक चतुर्दशी मनाते हैं, और नरक नरक रूप के राक्षसों का हम पलायन करते हैं घर में से, और निरिति का पलायन करते हैं। तो जो कूड़ा करकट है इनको हम निरिति का रूप होता है, और ये जो लक्ष्मी जी की बड़ी बहन है ज्येष्ठा, उसका रूप है, ज्येष्ठा को हम घर से बाहर निकालते हैं। अब वो लक्ष्मी जी की बड़ी बहन कहती है मैं तो बड़ी हूं, मेरा सम्मान पहले करो, पर चूंकि वो बहुत ऐसे है ना, दंत मलोप धाविनम, कि वो गंदे दांत, गंदगी में रहना, बदबू में रहना, तो उन सबको रूप में हम उसको कहते हैं भाई तू घर में बहुत रह ली, अब तू निकल यहां से और कूड़े पर जा, और कूड़े पर हम दीपक जला के आते हैं क्योंकि हम अतिथि का सम्मान करते हैं। और जब कूड़ा निकालते हैं तो सिर्फ कूड़ा घर का कूड़ा नहीं, ये मन का कूड़ा भी निकालना चाहिए। मन मलिन तन सुंदर कैसे, विष घट भरा जैसे, घर हमारे शरीर के अंदर से मन में से मलिनता भी हमको निकाल के फेंकनी चाहिए। केवल बाहरी सौंदर्य नहीं, आंतरिक सौंदर्य भी। तो दीपावली एक हमको मन का भी अगर मैल बाहर निकाल देंगे तो फिर आनंद ही आनंद है। इसलिए ये दीपावली का जो पर्व पूरा ही वैज्ञानिक है, जो हमारे पूर्वजों ने जो निर्धारित किया है पौराणिक काल और अनादि अनादि काल से चला रहा है। इसलिए इसमें ग्रहणों के साथ साथ हमारे अन्य भी कॉम्बिनेशन काम करते हैं। जो इस बार इत्तफाक से कोरोना आया है तो हम तो अशुभ मानते हैं, लोग के बहुत बीमार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन ये कोरोना काल भी किसी निमित्त से आया है, आया ग्रह योगों से है, लेकिन इसके पीछे कोई न कोई, हर बुरी चीज में कोई न कोई अच्छी चीज होती है, कि ये लगता बुरा है लेकिन हमको इस दीपावली के महत्व, इन त्योहारों को, क्योंकि हम अनावश्यक बहुत खर्च करने लग गए थे, इस दिवाली पर फटाके फोड़ने लग गए थे। दिवाली पर भारतीय संस्कृति में कहीं भी विस्फोट का स्थान नहीं है, लेकिन हम फोड़े जा रहे थे। हमारे ये कहा भी जाता है कि अभी ये कहा भी जाता है, कहीं शास्त्रों में ये नहीं है कि आप भगवान राम जब आए थे तो पटाखे चला गए थे, या दीपोत्सव के पर्व को अगर पटाखे नहीं चलाओगे तो बिल्कुल ये संपन्न नहीं होगा, इस टाइप की बातें। ये तो मुझे लगता है कि हमने एंजॉय के लिए दीपावली के उत्साह के साथ जो एंजॉय करते हैं पटाखों को फोड़ने का, और ये सारा वो कल्चर कह सकते हैं, कल्चर एक बना दिया हमने, ये माना जा सकता है इसे। जी जी, ये मुगल काल में जब यहाँ बारूद का हुआ ना युद्ध में, उसके बाद से ऐसा आ गया। उससे पहले जो दिवाली मनाते थे कि वो तो पहले के ऋषियों ने, जो कृष्ण, जो अर्जुन के समय भी दिवाली थी, तो उस समय कई ऋषियों के समय भी ऋषियों ने भी मनाई, पर वो सब दीपोत्सव, दीपोत्सव है ये, जिसमें हम ये उल्टी कर्कश ध्वनि तो अशुभ होती है, पर ये ठीक है, अभी हम दीपोत्सव मनाएंगे तो शायद प्रभु ये चाहता है कि अब वास्तव में दीपावली मनाइए, जिससे सब कुछ, जितने हमारी गलत परंपरा है उसको बंद करके व्यवस्था में सही सही दिवाली मन रही है। और फिर दिवाली के बाद में दूसरे दिन हम जो गोवर्धन पूजा करते हैं, ये गोवर्धन पूजा भी प्रकृति की पूजा है, इंद्र की पूजा है, क्योंकि शरीर सुंदर हो, दरिद्र निकल जाए और लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाए, वो तब तक नहीं टिकेगी जब तक प्रकृति आपका साथ नहीं देगी, प्रकृति की पूजा नहीं करोगे। शास्त्री साहब, वापस आऊंगा आपके पास में, मैं आचार्य पवन शर्मा जी के पास जाना चाहूंगा। पवन जी, आपके पास आना चाहूंगा। अगर हम ग्रह योग देखें तो उत्साह में भी ये देखा जाता है कि किस जगह पे ज्यादा योग बन पा रहे हैं, खरीदारी मार्केट में, और क्योंकि उत्साह है इसमें कहीं संदेह नहीं है। कोरोना काल की छाया जरूर है, लोगों के पास में रोजगार का अभाव है, सारी चीजें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक उत्साह, एक उमंग, और ये कहें कि एक लोगों में एक जो सोच बनती है कि नहीं दीपावली भी कुछ लेना चाहिए, तो कुछ ऐसा है कि ये चीजें ज्यादा खरीदी जानी चाहिए दीपावली पर, या फिर ये कहें कि इस क्षेत्र में या इस सेक्टर में ज्यादा इजाफा होगा, उन लोगों को ज्यादा लाभ होगा, ऐसा कुछ है? हाँ, देखिए योगेन जी, की
अब की बार जो दिवाली पे हमारा हम मना रहे हैं ये पर्व, और मैं तो यही कहूंगा, संदेश तो यही रहेगा कि देखिए अपव्यय नहीं हो। ये कोरोना काल आया और कोरोना काल से हमने ये देखा कि लोग स्वच्छ और निर्मल पवित्र रहने लगे। पहले गले लगना किसी भी व्यक्ति को विश करने का एक तरीका था, वो सौहार्द पूर्वक नहीं था। हाथ मिलाना, गले लगना, तो उसमें लोगों के किस तरीके के रोग हैं उनसे हम टच होते थे। अब दीपावली जैसे आचार्य जी ने बताया कि निर्मलता स्वच्छता का प्रतीक है, मन मलिन, मन को स्वच्छ करने का है, घर को साफ करने का है, तो निर्मलता में हमें ज्यादा प्रवेश करने का था। तो अगर हम बहुत पहले से निर्मल हमारे नेचर में होता, स्वच्छता हमारे नेचर में होती, तो हम उतने अधिक स्वस्थ रहते, क्योंकि सबसे पहले हमारा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, तो वो ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। दूसरा, त्योहारों के साथ में और त्योहारों के बहाने से कई रूढ़िवादिता और कई, मैं जैसे कहूंगा कि एक आदमी के अंदर मेंटलिटी बन जाती है कि त्योहार के रूप में उसको एक अलग रूप दे देते हैं वो लोग। जैसे कि मैं आपको निवेदन करूं कि दीपावली के दिन ही अधिकतर लोगों का उद्देश्य रहता है कि धनत्रयोदशी के दिन जाके हमें बर्तन लेके जरूर आना है। कई लोगों का ध्येय रहता है कि हमें दिवाली पे नए कपड़े पहनने हैं और हमें ये करना है, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि हमें भगवान धन्वंतरि की पूजा कैसे करनी है। ये नहीं देखते हैं कि दीपोत्सव में दीपदान करने का महत्व क्या है, दीपावली में हमें लक्ष्मी पूजन का प्रकार, उसकी विधि, उसका विधान क्या है। इसके अलावा दीपावली का, मेरे अकॉर्डिंग टू मी, मैं ये मानता हूं सर कि हमें दीपावली में ये देखना चाहिए कि हमारे घर पे खाने को खाना है, हमारे घर में जलाने को दीपक है, हमें उन लोगों को देखना चाहिए। जी, तो हम ये प्रयास करें कि हमारे बच्चों के पास में चलो पिछली साल के कपड़े हैं उनको पहना ले, लेकिन कोई उघारा तो नहीं है, कोई निर्वस्त्र तो नहीं है। ये त्योहार एक हमें अलग मैसेज देके जाता है, लेकिन हुआ क्या है जी, केवल ऐसी रूढ़िवादिता हो गई कि जो पैसे वाला व्यक्ति है वो जाकर के लग्जरी कारें खरीद के लेके आ रहा है, गोल्ड लेकर के आ रहा है, अच्छे वस्त्र लेके आ रहे हैं, तो लोग देखते हैं, जो गरीब होता है वो सोचता है देखो अब दिवाली है। तो लोगों ने इस मेंटेलिटी को धन से इस तरीके से जोड़ दिया कि एक उन्माद उत्पन्न होने लगा लोगों में, एक दूसरे के प्रति ऐसा आने लगा कि देखो अगर हम आज गरीब है तो हमारे घर में दिवाली नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है तो दिवाली हमारे नहीं है, ऐसा नहीं है। दिवाली भावनात्मक दृष्टिकोण से जब हम इसको देखेंगे तो हमें एक मानवता का जीवन जीना चाहिए, और हमें उतना ही, देखिए लक्ष्मी का भी सम्मान अति आवश्यक है। हम, हमारे पास धन है इसका मतलब ये नहीं है कि उसको हम अनावश्यक खर्च कर दें। जल है, धर्मम धनम च धान्यम च गुरुर वचनम औषधम, ये सारी चीजें अपव्यय करने की योग्य नहीं है। फिर भी मैं तो यही कहूंगा कि इस दिवाली पे सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखें, पटाखे नहीं चलाएं, चाइनीज जो चीजें हैं जो हमारे लोगों को मजबूती नहीं दे पा रही है, किसी कुम्हार ने अगर दीपक बनाया है तो उसको 1 रुपए की जगह हम 1.5 रुपए की मजदूरी दें, हमारे स्वदेशी चीज को अपनाने का प्रयास करें, हमारे नेचर में, हमारे चरित्र में दिवाली उतरे, जिससे हम लोगों को, एक समाज को ये मैसेज दें कि हमारे वसुदेव कुटुंबकम की भावना के साथ में सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया शर्मे भद्राणी पश्यंतु मा कश्चित् दुख भाग भवेत की भावना से हमें प्रत्येक जनमानस का, जाति का, धर्म का, हर चीज से परे होकर के, योगेश जी हमारा हर त्योहार हमें जाति से, धर्म से और जो ये गंदी राजनीति है इसका से दूर रहने का संदेश देता है। दिवाली को हम करते हैं ना, तुल धरे दे हरी धरे दे हरी द्वार तुलसी भीतर बाहर जो चाहत उजियार, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में ऐसा लिखा है। तो हम दीपक किसी दूसरे के घर पे रख के आते हैं कि हे लक्ष्मी माँ, इसका मतलब है कि कोई ऐसा निर्धन है, कोई नितांत गरीब है कि जिसके घर दीपक जलाने को भी नहीं है, तो दीप दान भी करते हैं, उसकी दहली पर हम दीपक रख के आते हैं तो अंदर भी उजाला रहता है, बाहर भी उजाला रहता है। इसका मतलब यही है कि समता रहे सबके अंदर, भगवान कल्याण करे, और दीपावली पर राग द्वेष ईर्षा पाखंड वैमनस्यता और जो एक दूसरे के प्रति उन्माद उत्पन्न होते हैं कि वो बड़ा है, मैं छोटा हूं, ये गरीब है, ये अमीर है, इसमें समता आ जाए, ये दीपोत्सव का महत्व होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा एक आखिरी सवाल शास्त्री साहब से होगा। सर मैं आपके पास आना चाहूंगा कि जैसे मेरा पवन जी से भी सवाल था, ऐसा कुछ रहता है या फिर मार्केट की एक स्ट्रेटेजी बनाने का तरीका है कि ये आप मकान लीजिए या गाड़ी खरीदिए या कुछ खरीदने का महत्व है यहाँ पे,
या फिर अब जमाने के साथ में और परिस्थितियों के साथ में चीजें बदल जाती हैं, जैसे पवन जी ने कहा कि लोकल फॉर वोकल, या फिर उन लोगों का ध्यान रखिए जिनके पास में दिवाली मनाने के संसाधन भी नहीं है, ऐसा कुछ है महत्व इसमें दान का या कुछ उन लोगों का ख्याल रखने का? क्योंकि हम जी सब ज्योतिषी लोग हम लोग जनता में कई तरह की चीजें कर देते हैं उत्साह के कारण, अति उत्साह के कारण। वास्तव में तो ये तो धन लक्ष्मी है, जो देवी है, ये पृथ्वी हमारी माँ है और यही महालक्ष्मी है, और इसके अंदर जो धन निकलता है वो कुबेर के रूप में निकलता है, जैसे सोना चांदी तांबा पीतल, और जो गरीब है कुछ भी नहीं है तो मिट्टी तो निकलती है, मिट्टी के भी बर्तन घर में लेके आ सकते हैं, तो जिसकी जैसी सामर्थ्य है वो वैसे ले आता है और पूजा करें, क्योंकि पूजा तो मिट्टी के बर्तनों में जो होती है उसका कोई जवाब नहीं होता है, क्योंकि वो सर्वव्यापी है, इसलिए ऐसा तो कुछ नहीं है। पर हाँ, ये जरूर है कि जो पूजा हम करें वो हम उस दिन नए बर्तनों में करें, और मिट्टी के हो, चाहे तांबे के हो, चाहे पीतल के हो, सोना चांदी के बर्तन पूजने वालों को कोई बहुत खुशियां नहीं मिलती है। खुशियों का संबंध या सोने से है या चांदी से है, ये सारा का सारा अंतर मन से है। इसलिए जो लक्ष्मी है, इसीलिए जो अष्ट लक्ष्मी होती है, इन अष्ट लक्ष्मी में कहीं भी सोना चांदी और रुपयों का जिक्र नहीं है, कि आदि लक्ष्मी है जो धन लक्ष्मी है, धान्य लक्ष्मी है कि घर में भगवान अनाज खूब रहे, घर में संतान को सही रखे, सब सौभाग्य को प्रदान करते रहे, घर में जितने बच्चे हैं उनकी विद्या और खुद की मति सही रहे, शौर्य रहे, पराक्रम रहे, मित्रों का सानिध्य रहे, परिवार में खुशहाली रहे, बस ये सबसे बड़ी कामना है। बिल्कुल यही होना चाहिए, और दीपावली का मकसद और मतलब भी यही है कि हम दूसरों का भी ख्याल रखें और अपना भी ख्याल रखें, और जैसे शास्त्री साहब ने बताया कि ये तो हमने बना दिया है कि बिल्कुल यही होगा तो ही बहुत बड़ी दीपावली मनती है। दीपावली मन ऐसा होना चाहिए जो मलिन ना हो, सबसे बड़ी बात यही है, दूसरे का ख्याल रखें, हम हितों का ध्यान रखें। और जैसे पटाखे चलाने की एक बड़ी बहस छिड़ गई है कि भारतीय संस्कृति में पटाखे जरूरी, बिल्कुल भी नहीं है। भारतीय संस्कृति में पटाखा चलाना ऐसा कहीं वेदों में या ग्रंथों में कहीं नहीं लिखा हुआ है, ये कोरोना काल है। निश्चित रूप से आप दीपावली को हैप्पी बनाने के लिए खुद हैप्पी रहिए, अपने पड़ोसी को हैप्पी करिए, उन लोगों का ख्याल रखिए जो अस्थमेटिक हैं, कोरोना से जूझ रहे हैं, क्योंकि ये उनके लिए जानलेवा हो सकता है। जहर अगर वायु में घुल रहा है तो निश्चित रूप से पोल्यूशन का स्तर हम रेड अलर्ट में जा चुके हैं, और सिग्नल जिस तरह के दिखाई दे रहे हैं उससे हमें लगता है कि सावधान रहने की बड़ी आवश्यकता है। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और शास्त्री साहब आचार्य साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और खास खबर में नहीं दीजिए इजाजत, नमस्कार। जनटीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।